तो कैमरामैन मुझे ही मत दिखाइए, आगे का भी व्यू दिखाते रहिए थोड़ा सा, नहीं तो कैमरामैन मेरे पे ही फोकस करते रहेंगे तो फिर लोगों को क्या दिखाऊंगा मैं जो आगे की चीज़ें दिखानी है। चलिए दोस्तों, गाड़ी को बहुत जास्तक काटजी है बोलते भाऊ तो मतलब सीट बेल्ट लगाओ, मतलब काटजी है गाड़ी को, अपने गाड़ी को। तो आगे नमस्कार दोस्तों, और एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों गाड़ी देख रहे हो, गाड़ी देखो दोस्तों, गाड़ी है दोस्तों वैगनार, और वैगनार गाड़ी का अपन ड्राइविंग इंप्रेशन करने वाले हैं दोस्तों। मैं आज चला के देखने वाला हूँ गाड़ी को, मतलब ऐसे तो चला के देखो दोस्तों, बट कैमरा क्या गया एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ प्रॉपर। और मेरे पास ऑलरेडी वैगनार थी दोस्तों, तो ये है दोस्तों वैगनार पूरी न्यू वाली 2022 वाली, 2023 वाली का भी अपन रिव्यू कर लेंगे, बट इसका भी अपन देखने वाले हैं। और ये VXI मॉडल है दोस्तों, तो आइए दोस्तों चला कर देखते हैं इस कार को। चलिए दोस्तों अभी गाड़ी को स्टार्ट किए अपन, चला कर देखते हैं। मैं पहला गियर डालता हूँ अभी, और गाड़ी काफ़ी स्मूथ लग रही है दोस्तों, चलाने में भी स्मूथ है दोस्तों। और जैसे मैं उसको पिकअप ले रहा हूँ, फर्स्ट पिकअप जो मतलब गाड़ी को उठा रहा हूँ, तो वो भी काफ़ी अच्छे से उठ रही है और काफ़ी स्मूथली चल रही है दोस्तों। इसका स्टेयरिंग वाला भी, स्टेयरिंग फीडबैक भी ठीक है, स्मूथ है स्टेयरिंग भी। तो दोस्तों अभी तो चला रहे अपन, सेकेंड गियर डालता हूँ मैं। गाड़ी चलाने में देख सकते हो, अभी मैं थोड़ा सा ग्राउंड में चला रहा हूँ इस गाड़ी को। और यहाँ पर आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर भी देखने मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो नहीं चलेगी बात दूसरी दोस्तों, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। तो अभी मैंने सीट बेल्ट लगाया हो दोस्तों, और इसमें दोनों को भी सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों गाड़ी को बहुत जास्तक काटजी है बोलते भाऊ तो मतलब सीट बेल्ट लगाओ, मतलब काटजी है गाड़ी को, अपने गाड़ी को। तो आगे का व्यू देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का व्यू है। तो थोड़ा सा अपन चला के देखते हैं हाईवे पे, तो अभी अपन ग्राउंड के बाहर निकलते हैं हल्का सा, और देखते हैं गाड़ी का किस प्रकार से अपने को ये चलाने में। दोस्तों मुझे तो काफ़ी स्मूथ लग रही है चलाने में, क्योंकि इसके पहले दोस्तों मेरे पास वैगनार थी, इतनी स्मूथ नहीं थी यार जितनी अभी वाली वैगनार जो स्मूथ आ रही है दोस्तों, इतनी स्मूथ गाड़ी तो नहीं थी। तो चलाने में वगैरह तो काफ़ी अच्छी है, बच्चे खेल रहे हैं, और मैंने कोई भी विंडोज़ वगैरह नहीं लगाई है ताकि आपको पूरा एक्सपीरियंस मिल सके बाकी सारा सारा। और कैमरामैन मुझे ही मत दिखाइए, आगे का भी व्यू दिखाते रहिए थोड़ा सा, नहीं तो कैमरामैन मेरे पे ही फोकस करते रहेंगे तो फिर लोगों को क्या दिखाऊंगा मैं जो आगे की चीज़ें दिखानी है। शॉकअप्स वगैरह काफ़ी मतलब काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छे है, कुछ हार्ड नहीं है ऐसे शॉकअप्स की बा आपको तकलीफ़ देने वाले है। शॉकअप्स वगैरह काफ़ी अच्छे स्मूथ देखने मिल जाते हैं। तो आइए दोस्तों अभी अपन लगे हैं हाईवे पे, और अभी देखिए नॉर्मल ब्रेक बहुत ही प्यार से निकल जाती है, उतना कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। गियर्स भी काफ़ी स्मूथ है, तो अभी मैं लगाता हूँ विंडोज़ को लगा लेता हूँ। विंडोज़ लगाने के बाद कैबिन भी काफ़ी साइलेंट हो जाता है, और एसी का एक ब्लोअर लगा लेते हैं, तो इसमें ये भी पता चल जाएगा मुझे किस प्रकार से चलती है। अभी मैं ज़्यादा जो ब्रेकर्स वगैरह है दोस्तों, ब्रेकर्स पे वगैरह मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ नहीं ले रहा हूँ, एक टेस्टिंग प्लेट से चलाने में वगैरह ठीक है, मज़ा तो आ रही है दोस्तों, काफ़ी स्मूथ गाड़ी है। मतलब मैं क्या बोलूँ, न्यू गाड़ी ख़रीदना चाहिए दोस्तों, सेकेंड हैंड में थोड़ा मत ही जाओ, क्योंकि न्यू गाड़ी की फील जो अलग ही रहती है, क्योंकि न्यू गाड़ी ज़बरदस्त रहती है, इंजन वाइज हर एक चीज़ वाइज न्यू रहती है, और फर्स्ट हैंडेड रहती है अपनी गाड़ी तो उतना टेंशन नहीं आता है दोस्तों। अभी मैं काफ़ी दिनों से मैनुअल गाड़ी चला रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास स्विफ्ट डिज़ायर है आपको भी पता है, और वो है दोस्तों ऑटोमेटिक में है, और अभी मैं चला रहा हूँ मैनुअल गाड़ी। तो मैनुअल गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है, पावर वगैरह ठीक है, सही चल रही है गाड़ी, वैसे चलाने में वगैरह ठीक है। तो आइए दोस्तों अभी चलाते हैं आगे से, थोड़ा सा माइलेज की बात करेंगे दोस्तों थोड़ी देर के बाद, माइलेज भी देख लेंगे कि क्या माइलेज देती है अपने को। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच माइलेज वगैरह में, माइलेज काफ़ी अच्छा देखने मिल जाता है। गड्ढे रोड पे काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, देख सकते हो गड्ढे काफ़ी ज़्यादा है, मगर गाड़ी को मतलब ग्लाइड करके निकल रही है, काफ़ी स्मूथ निकल रही है, ऐसा कोई दिक्कत जा रही नहीं है, अच्छा है। और इसमें सिटिंग कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप काफ़ी ऊँचे बैठे हो ऐसा फील हो रहा है मुझे पहले की वैगनार से दोस्तों। और काफ़ी अच्छा फ्रंट व्यू जो देखने मिलता है दोस्तों वैगनार में, काफ़ी अच्छा फ्रंट व्यू भी देखने मिल जाता है। और यहाँ पर अभी मैं माइलेज देखूँगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अभी गाड़ी दिखा रही है 18.19 का माइलेज गाड़ी स्पीडोमीटर पर दिखा रही है दोस्तों। रास्ते में खड्डे
खड्डे हैं रास्ते में। हाँ रास्ते में बहुत खड्डे हैं हमारे, और हमारी सरकार जो है हमारे मोदा की सरकार कब रोड बनाएंगी पता नहीं, जब इलेक्शन आएंगे तभी रोड बनने वाले, तब तक के ये रोड नहीं बनने वाले, क्योंकि कुछ काम किए करके भी तो बताना चाहिए ना। अभी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इलेक्शन आएंगे तब करेंगे तो वोट वगैरह भी मिल जाएंगे। तो चलाने में काफ़ी अच्छी है, सही है। सीट बेल्ट मैंने पहना नहीं हो क्योंकि माइक लगाए दोस्तों उस वजह से, मगर सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है सेफ्टी के लिए, सेफ्टी वाइज सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है। आप या फिर अपने गांव में ही घूमो या फिर आप बाहर घूमो। इसका जो ये है ना दोस्तों गियर नॉब वगैरह काफ़ी छोटा सा और काफ़ी क्यूट सा स्मूथ गियर है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं जा रही है गियर्स डालने में वगैरह, सही चल रही है। स्टेयरिंग फीडबैक वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, टर्निंग रेडियस वगैरह काफ़ी अच्छा है इसका, टर्निंग रेडियस भी काफ़ी अच्छा है, फील भी काफ़ी अच्छी है, गाड़ी फील तो होती है थोड़ी हल्की, हल्की तो फील होने वाली है क्योंकि मारुति की गाड़ी है यार, क्या बोलेंगे इसको, मारुति की गाड़ियाँ हल्की ही होती है। बट कोई दिक्कत जा रही नहीं है। एक वैगनर अगर जब लेना है, अगर जब आप अल्टो सोच रहे होंगे ना दोस्तों कि मैं अल्टो लेता हूँ, तो अल्टो सोचने के बजाय थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाके थोड़ा वैगनर सोचिए, सोचा करिए, क्योंकि वैगनर काफ़ी अच्छी गाड़ी है, सिलेरियो भी आती है वैसे, मगर स्पेस वाइज वगैरह सारी चीज़ों में आपको वैगनर पूरी फुलफिल और फैमिली कार, आपको प्रॉपर फैमिली कार देखने मिल जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से है इसका ड्राइविंग इम्प्रेशन कुछ मेरा। जहाँ से निकले थे अपन दोस्तों वही आ रहे हैं, अभी अपन ग्राउंड में जाएंगे जो कि हम मौदा में ही टेस्ट कर रहे, थोड़ा सा चला के देख रहा हूँ दोस्तों। बच्चों हटो जाओ, हाँ सेलिब्रिटी हूँ मैं। बच्चों को बताना पड़ेगा ना दोस्तों, यूट्यूबर है करके। और ये दोस्तों मैंने, हम प्रॉपर चार लोग बैठे, पांच लोग भी बैठ सकते हैं, चार लोग बैठे पीछे भी दिखा दो, दो भैया लोग बैठे पीछे में, और काफ़ी अच्छे से चल रही, कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब ज़बरदस्त चल रही है। बस सर ने बताया कि पहाड़ वहाड़ पे चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है, हाँ जाती है क्योंकि मैं भी चला के देखा हूँ इसको पहाड़ वहाड़ पे, मतलब मैं भी काफ़ी ज़्यादा घुमा हूँ, बट मेरे पास पुरानी वाली गाड़ी थी दोस्तों, ये अभी तो न्यू गाड़ी है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी चलाने में, मतलब ज़बरदस्त है, ब्रेकिंग वगैरह सारी चीज़ें ज़बरदस्त है इसकी, जो आप देख सकते हो हाइट वगैरह, हेडरूम वगैरह काफ़ी अच्छा आपको देखने मिल जाता है। वीडियो पसंद आएंगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, मैं ऐसी कार रिलेटेड वीडियोस आपके सामने रोज़ाना लाते रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाय दोस्तों।